What's up, everybody? Kucha Dipali, hi, Itra Kadu Keur Patel, Dushyant Rawal, Niche Ho, or live join kar rahe. What's up, everybody? Finally, I'm live, ekdam full thaka hoon, and I'm looking very weird right now. So, uske liye mujhe maaf karna. Bilal Tahir. Hey, what's up? So I'm waiting for everybody to join aur phir bahut sari baatein karenge. Nahi bahut sari nahi, thodi thodi si baatein karenge. Bahut sari baatein kal karenge. But aapka Sachi 0424 aapka naam maine le liya. Aur main sabko request karna chahunga, sab sirf hello hello mat likho. Because wo sirf main hello hello hi padhta jata hu. Hello, hi. So Aniruddha, A, B, D, we are excited for the song. Sir, I am excited as well. And you have no idea. Utna excited. Please sing some line, asal mein. Itni jaldi nahi. Itna wait kiya hai, humne, aapne. We're still waiting. We just have to wait. But kuch smart log hain, jo jante hain ki sabse pehle gaana kahan sunna aur kab sunna. So, वो तो आप सुन ही लोगे. But, so guys, कल असल में is going to release 11 बजे release होगा Indie Music के YouTube channel पर. वैसे कल भी live आऊँगा. हम सब मैं भी final. I'm going to see the video together only. आप लोगों के साथ ही जैसे release होगा उस वक्त देखेंगे. क्योंकि I'm also traveling. कुछ दिनों से सो एंड दिस द फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि मैं एम ट्रैवलिंग फॉर अ शो और तब गाना रिलीज हो रहा है. धनबाद ने मचा दिया आप सर. अरे थैंक यू. मेरे से कहीं ज्यादा एनर्जी आप लोगों की होती है. मैं जहां जहां परफॉर्म करता हूँ लोग मुझे पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं कहाँ से लाते हो एनर्जी. एनर्जी आती है लोगों से. सो इतने अमेजिंग शोज किए पिछले एक महीने में मैंने. आई हैव बीन परफॉर्मिंग टू डिफरेंट सिटीज एंड डिफरेंट कॉलेजेस. इतने अमेजिंग बच्चों के सामने मैंने परफॉर्म किया है एंड इट्स माय एब्सोल्यूट प्लेजर दैट आई हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर देम. सो विकी विकास, लव यू टू ब्रो. सो यस, वेरी एक्साइटेड. और हर बार की तरह आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑलवेज नर्वस. और मुझे मैं एकदम फुल पैनिक मोड में रहता हूँ. आज भी आई वॉज इन एयरपोर्ट और नेटवर्क कम था. टीजर वॉज गेटिंग अपलोडेड. आई वॉज सुपर पैनिक. और ये होता है, इट्स ऑलवेज लाइक दैट. इंडिपेंडेंट गानों में ये होता है बिकॉज यू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. खुद से आप करते हो एंड इट्स योर बेबी एज आई से ऑलवेज. सो आप लोग भी मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई कम लाइव सिर्फ हार्ट्स और इमोजीज होते हैं. सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं क्या बात करूं. बट सौम्या, डोंट बी नर्वस. सब अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा. मैं नर्वस, आई एम नर्वस ऑन अ डिफरेंट साइड. मैं नर्वस इसलिए होता हूँ कि आई मेक सॉन्ग्स फॉर माई फैंस और मेरे जो फैमिली है, जो पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड वाइड लोग हैं, उनके लिए मैं गाने बनाता हूँ. मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मेरे टू मेक म्यूजिक आर माई फैंस एंड पीपल हु लव मी एंड लव माई म्यूजिक. सो मैं इसलिए नर्वस होता हूँ कि ये गाना भी उनके दिल को छूना चाहिए, ये गाना भी उनको उतना पसंद आना चाहिए. एंड सो मी एंड माई एंटायर टीम वर्क्स फॉर दैट. हम सब मिलके उस चीज के पीछे लग जाते हैं कि कैसा ऐसा गाना बनाना है, कैसा कंटेंट बनाना है कि आप सब पूरी जिंदगी भर उसको सुन सकें, उसको एंजॉय कर सकें, कनेक्ट कर सकें.
और काफी टाइम से मुझे कहा जा रहा था कि एक सैड सॉन्ग। तो साल के शुरुआत में ऑलरेडी मेहरमा इज अ सैड सॉन्ग एंड दिस द सेकेंड वन, माई फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉन्ग ऑफ 2020, बहुत ज्यादा दिल से बनाया है और पूरी पूरी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। कल विस्तार में सबको थैंक यू बोलूंगा आज। ओके, आज के लाइव सेशन में भी देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल द फैंस। आराम से मैं पहले बात कर लेता हूं। हरदिल पंड्या है यहां पर, आप भी एक्साइटेड हैं? एकदम फुल। अभी अभी उनका नाम चेंज हुआ है। मेरे सामने बैठे होते हैं ऐसे फ्लाइट में, सामने बैठ के भी मेरे पोस्ट पर कमेंट करते हैं। मेरा है, हेलो बोल दो। हेलो। ओह वेरी नाइस। सो यस, काफी दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ, सो आई फील गुड व्हेन एवरीबॉडी इज टेक्स्टिंग। यार ये हेलो मत लिखो प्लीज यार, मुझे कुछ पूछ लो, बात कर लो मेरे से। अगर इफ यू नो से समथिंग यू कैन टेल मी। आई एम सॉरी चश्मे लगाए हुए हैं क्योंकि आंखें बहुत बहुत थक चुकी हैं। निलुफा परवीन 14 कैरी, यू बोथ ऑलवेज रॉक द स्टेज। अर्दिल जी थैंक यू कहना जी आपको, मैं थैंक यू कहता हूँ, इतना ईगो अच्छा नहीं है। यस, कल असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करेंगे और कल शायद पहली बार। वैसे इतने मैसेजेस आए हैं कि आप असम कब आ रहे हो, गुवाहाटी कब आ रहे हो, तो फाइनली आ गए हैं और वी आर वेरी लकी दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। असल में कल परफॉर्म भी करेंगे फर्स्ट टाइम लाइव। सो यस गाइस, एक और सरप्राइज है, डोंट गो एनीवेयर, दैट इज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज जो हमने वो एंड में जाने से पहले आप सबको बताऊंगा मैं। सो कल 11 बजे, आई डोंट नो जितने भी लोग लाइव में हैं क्या आप सबने टीजर देखा, डिड यू लाइक द टीजर? अगर नहीं देखा तो आई हैव जस्ट पोस्टेड, आप एंजॉय करिए टीजर। और 12 बजे नहीं, कल 11 बजे सुबह यू कुड सी द वीडियो, आई विल बी लाइव। मैं लाइव आऊंगा, जितने भी लोग कल आ सकते हैं लाइव प्लीज ज्वाइन द सेशन, और साथ में देन वी आर गोइंग टू गो ऑन यूट्यूब एंड वी आर गोइंग टू वॉच द वीडियो, और फिर पूरा दिन आप सबके कमेंट्स पढ़ने में मेरा निकलने वाला है। बट एक्चुअली टुमोरो दिस इज द फर्स्ट टाइम नो, 11 बजे हम गाना रिलीज करेंगे, 12 o'clock वी आर गोइंग टू गो ऑन स्टेज। थोड़ा जल्दी है शो। डॉट DZ, थैंक यू। गा दूं दो लाइन, गा दूं? नहीं ठीक है, वेट करते हैं। सादिया खाते DZ, आपका भी नाम सेवियर रॉक स्टार, डू यू इवन रिमेम्बर मी? याद कराओगे तो याद आ जाएगा, उतनी जल्दी मैं भूलता नहीं हूं किसी को, अपनी आदत नहीं है। 10-10 साल पुराने दोस्त भी ऐसे एकदम फुल याद है मेरे को, है ना? ये प्रॉब्लम है मेरी, मैं जल्दी भूलता नहीं हूँ कुछ भी। तो कमेंट्स पर वाँचे चे, ऑफकोर्स हम कमेंट्स वाँचू चो, तो मेरे को अटला दिल थी लगता हो तो ऑफकोर्स आई रीड द कमेंट्स। बट येस, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू रिप्लाई टू एवरीबडी बिकॉज द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट्स, सो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई, बट आई गो थ्रू जितनी हो सके। कल भी ब्लैक शर्ट नहीं यार, कल ब्लैक है ही नहीं, कल कुछ और कलर है। लाया नहीं मैं एक्चुअली ब्लैक, पहले ये था आई हैड टू गो बैक टू मुंबई और फिर पूरा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज और ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो एक दिन जल्दी आ गए, कुछ भी आई एम टॉकिंग, कहीं पर भी जा रहा हूं ऐसे तो मैं बात करता रहूंगा पूरी रात। सो यस गाइस, आशना श्री, हाँ मुझे कब रिप्लाई मिलेगा? लो मिल गया रिप्लाई,
सब जगह आएंगे, सारे सिटीज में आएंगे, जहां जहां हमको बुलाया जाएगा हम हर जगह परफॉर्म करेंगे. और मैं तो बिल्कुल एक मौका नहीं छोड़ता. आई ट्राई कि मेरे जितनी एनर्जी है मैं उतना परफॉर्म करूंगा. एंड पास्ट वन एंड हाफ मंथ जब से एम्स्टरडैम से आए तब से ऐसे वी आर वर्किंग डे एंड नाइट. जैसे मौका मिलता है वी गो टू अ सिटी, वी परफॉर्म 3-4-5 दिन एक साथ ट्रैवलिंग होता है. वी गो बैक एंड वी मेक सॉन्ग्स, वी डू द रिकॉर्डिंग करते हैं. इस गाने में भी काफी वी हैड टू रिकॉर्ड री रिकॉर्ड. और मैं आप सब जानते होंगे कि मैं वोकल्स आई कीप ऑन रिकॉर्डिंग. आई रिकॉर्ड वन सॉन्ग इन डिफरेंट मूड, अलग 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 मूड में रिकॉर्ड करता हूँ एवरी लाइन. इस गाने की हर लाइन आप लोगों को पसंद आएगी क्योंकि आई रिमेम्बर व्हेन वी वर मेकिंग दिस सॉन्ग सो गौतम भाई एंड गुरप्रीत केम इन. तो उनको मैंने मेलोडी सुनाई, उनको धुन सुनाई एंड मैंने कहा कि तू मेरे से भी खूबसूरत आपको लिखना है. हालांकि दोनों अलग गाने हैं, अलग मूड है, बट लिरिकली और ज्यादा वी हैव टू गेट इट राइट दिस टाइम. द इमोशंस जो धुन में है एंड दे जस्ट स्टार्टेड राइटिंग एंड एवरी लाइन इज अ ब्यूटिफुल लाइन. सो ऑल द क्रेडिट ऑफ दिस सॉन्ग, मेजर क्रेडिट गोज टू गुरप्रीत एंड गौतम फॉर राइटिंग दिस सॉन्ग सो ब्यूटिफुली. और गौतम भाई को तो एक्स्ट्रा क्रेडिट जाता है क्योंकि डायरेक्ट भी उन्होंने किया है. सो यू गाइज आर गोइंग टू लव द ऑडियो. हार्दिक तो पूरी पूरी फ्लाइट में दो दो ढाई ढाई घंटा असल में सुनता रहता है. सो हमारा इंटरनल कॉम्पिटिशन रहता है गानों में कि ये बेटर है, ये बेटर है, इससे बेटर बनाना है. सो we really work very hard on the song, not only me but the entire team. and phir aur ye karne ka motivation milta hai aap logo se. so thank you so much. where did you get your inspiration for asal mein? when you'll hear the song you'll come to know. jab also main when I'm making a song I मेरे सॉन्ग ये सोचकर कि जो इंसान सुने उसको लगना चाहिए ये उसका गाना है. इट इज हिज स्टोरी, ये उसकी कहानी है. तो ही वो गाना और वो धुन उसके साथ हमेशा के लिए रहेगी. सो इस गाने में भी कोशिश वही की है कि व्हेन यू हियर द सॉन्ग इट फील्स इट इज योर सॉन्ग, इट वो आपका गाना है, वो आपको फील होगा. और अगर आपने जिंदगी में किसी को बहुत सच्चा वाला प्यार किया है then you are going to love this song. हालांकि sad song है but you will love it. can't wait anymore. दर्शन अब गा भी दो. नहीं पहले मैं बहुत ये करता था but now but जैसे कि मैंने कहा कुछ स्मार्ट लोग होंगे फैंस में जिनको पता है सबसे पहले ऑडियो कहां सुने. मेरे से पहले आप लोग सुन लेते हो. ठीक है, अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि कल भी लाइव आने वाला हूं, कल भी आपका बहुत सारा टाइम लेने वाला हूं मैं. कल फिर आपको गाना जब आएगा एवरीबडी हैज टू शेयर, बहुत सारी कमेंट करनी पड़ेगी, उसमें भी बहुत सारा टाइम जाएगा. सो नॉट टेकिंग दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सिंगल होके भी हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग आने वाली है इसमें तो पक्का आने वाली है. सो यस द सरप्राइज इज कितने लोगों को पता है या कितने लोग जानते हैं आई डोंट नो कि जब गाना और उसका नाम और उसका पोस्टर रिलीज हुआ उसके बाद मैंने मेरा यूजर नेम चेंज किया था और उसमें यूजर नेम किया था असल में दर्शन राहुल. और फिर हमने देखा कि मेरे बहुत ही ज्यादा क्यूट अमेजिंग फैंस हैं, उन्होंने भी अपना यूजर नेम चेंज किया. सो वैसे बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया, हमारी टीम ने मैसेज किया और एज द सॉन्ग इज रिलीजिंग ऑन 18th वी हैव सिलेक्टेड 18 पीपल जिनको मिलने वाली है असल में की स्पेशल टी शर्ट. सो वो 18 नाम मैं बोलने वाला हूं जिन 18 लोगों को मिलेगी स्पेशल दर्शन रावल मर्चेंडाइज ऑफ असल में. जुगल सोनी आपको नहीं मिलेगी, जितनी चाहे कमेंट कर लो. सो
the 18 names are here. We have Prachi Patel from Delhi, Akshay Jadhav Baroda, Rishika Hajong from Shillong, Faisal Khan Hyderabad, Akanksha Singh from Varanasi, Sakshi Machindra Madake, Junar Pune District, Diya Adiyatya from Bangladesh, Sheetal Goswami, Rajpur Chitrakot se, Hamid Hussein Sama from Samakhiali, Nafur Nagori from Ahmedabad, Nehal Gala from Mumbai, Rani Uttam Bhadure from Nasik, Jash Makwana from Mumbai, Manisha Kumari from Dehradun, Afreen from Bangladesh, Prerna Chahal from Goa, Yash Balar from Mumbai, or Arpita Datta Asansol. Sorry, agar pronunciation kahin Asansol, kahin pronunciation galat ho, main iske baad ek story bhi dalunga, jinke andar sabke naam honge. So this people have changed their username from their username to username ya naam jo bhi hota hai, from the name to asal mein. So thank you so much. Aur bahut sare log hain jinhone kiya hai, but secret contest tha. Aise contest hote rahenge, jahan jahan jaunga main wahan har jagah main t-shirts deta hu, aur ye logo ko sabse pehle they're going to get asal mein's special t-shirt. And theek hai, ab zyada time nahi lunga. हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लंच बाकी है हमारा, सुबह से हमने वी हैव नॉट एट एनीथिंग, सो वी गोना ईट, बहुत सारा खाऊंगा फिर. आज तो वैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स है, शो कल है, सो आज टीजर देखिए, टीजर के नीचे मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ते जा रहा हूँ, जितने लोगों से हो सके उतने लोगों को रिप्लाई करता हूँ. सो वहाँ पर भी अगर इफ यू आस्क मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट, शेयर योर व्यूज. नींद नहीं आने वाली मुझे तो भी, इट्स गोइंग टू बी amazing, very nervous I am, kuch bhi bol raha hu. So bye, take care, god bless, kal milte hain 10:45 ko, I'll be. Aur aap log hamesha late karte hain, so please be on time. Main bahut hi zyada punctual insaan, ye dekho seedha hasna chalu kar, main bahut hi zyada punctual insaan hu, so late mat hona. Aur bahut sari baatein karenge kal. Bye, god bless, take care and see you tomorrow. असल में कल मिलते हैं 10:45 को, 11 बजे गाना आएगा. टिल देन कीप वॉचिंग द टीजर, कमेंट करते रहो टीजर के नीचे, शेयर करो, जो भी करना है करो. बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, स्प्रेड लव.